सियाचिन से ताल्लुक रखने वाले नन्हे यूट्यूबर शराज का शुमार इन लोगों में होता है जो इतने खुशकिस्मत हैं कि चंद ही दिनों में करोड़ों लोग इन्हें जानने और पहचानने लग जाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। शराज ने अपना नाम बनाने के लिए यकीनन मेहनत भी की। पाकिस्तान के कम उम्र यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल का नाम शराजी विलेज व्लॉग्स है, जिसमें वो अक्सर व्लॉग्स अपनी बहन मुस्कान के साथ बनाते नजर आते हैं। एक माह के अंदर इनके चैनल ने इन्हें पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी मशहूर कर दिया। नन्हे यूट्यूबर ने सोशल मीडिया के जरिए एक महीने में इतना नाम कमा लिया कि टीवी चैनल्स को भी इनको हायर करना पड़ गया। शराज को निजी टीवी चैनल की रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान का बाकायदा हिस्सा बना लिया गया। रमजान से कबल शाने रमजान के होस्ट वसीम बदामी और नन्हे शराज की एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता था कि नन्हा शराज वसीम बदामी को अपनी अबाई बलती जुबान सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शाने रमजान और जीतो पाकिस्तान जैसे शोज में बच्चे आम तौर पर मेजबानी करते हैं, दिलचस्प मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और हंसी मजाक करते हैं। लेकिन नन्हे यूट्यूबर को पूरा रमजान अपने शो के लिए हायर करना वसीम बदामी को महंगा पड़ गया। इस हवाले से सार्फिन की जानिब से टीवी चैनल को तनकीद का सामना है। किसी ने कहा कि ये लोग अपने चैनल की पीआर के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, तो किसी ने कहा कि अब शराज की काबिलियत को बेचा जाएगा और किसी ने कहा कि इसकी जहन साजी की जाएगी। सोशल मीडिया सार्फिन का दावा है कि बच्चों को शामिल करने का बुनियादी मकसद वायरल कॉन्टेंट में इजाफा करना या फिर व्यूज हासिल करना है। एक सारिफ ने कहा कि शाने रमजान का नया मेहमान अब शराज होगा। अहमद शाह के बाद अब नन्हा व्लॉगर शराज भी वसीम बदामी ले उड़े। यहाँ आपको बताते चले कि इससे कबल पीछे तो देखो से मशहूर होने वाले मारूफ सोशल मीडिया चाइल्ड स्टार अहमद शाह को भी निजी टीवी चैनल की रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बना लिया गया था, जिस पर सार्फिन की जानिब से टीवी चैनल को तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया था कि कम उम्री में इन्हें कई कई घंटे टीवी सेट पर बैठना पड़ता है, इनके साथ मजाक किया जाता है। अदाकारा मिशी खान भी इस मामले पर खामोश न रही और कहा कि अपनी मेहनत से मशहूर होने वाले बच्चों को शहरों में लाकर तमाशे शुरू हो जाते हैं। पहले अहमद शाह की मासूमियत और बचपन छीन लिया, किसी को तो छोड़ दें और मासूम रहने दें। सख्त तनकीद के बाद वसीम बदामी ने शाने रमजान की बराहे रास्त नशरियात के दौरान वाजिया किया कि इनके सेट पर चाइल्ड स्टार्स के साथ फैमिली मेंबर्स जैसा सलूक किया जाता है। वसीम बदामी ने कहा कि मैं जो अपने बेटे के लिए बेहतर समझूंगा या जो बेहतर नहीं समझूंगा, वही चाइल्ड स्टार्स या फिर दूसरे बच्चों के लिए बेहतर समझूंगा, क्योंकि मैं खुद साहिब औलाद हूँ और मुकाफात अमल पर यकीन रखता हूँ। इसी तरह शान रमजान में वसीम बदामी के साथ नजर आने वाले अहमद शाह ने 2019 के आगाज में सोशल मीडिया पर इस वक्त शोहरत हासिल की थी, जब इन्हें कुछ मजाहिया वीडियोस में पीछे तो देखो जैसे डायलॉग्स बोलते हुए देखा गया। वीडियोस वायरल होने के बाद अहमद शाह को कई मॉर्निंग शोज और गेम शोज में बुलाया गया। इंतहाई कम उम्री में दोनों बच्चों को कई घंटों तक सेट पर बैठाने की वजह से चैनल इंतजामिया और प्रोग्राम होस्ट को सख्त तनकीद का सामना है। अगरचे इन बच्चों को प्रोग्राम में शिरकत का मुआवजा अदा किया जाता है, लेकिन सार्फिन का ख्याल है कि कई घंटों तक काम करने से बच्चों की जहनी सेहत मुतासिर होती है और तालीम पर भी असर पड़ता है।